नमस्कार। नमाज चार्ट आप देख रहे हैं, नमाज सीरीज देख रहे हैं। आज बात करेंगे तीन प्लैनेट की नमाज में, जो लोगों के क्वेश्चन आते हैं, किसकी किसकी, शनिदेव की, राहु की, केतु की और सूर्य की, जो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत डाउट क्लियर होने वाले हैं आपके, कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी ऐप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड सर्विस, फ्री सर्विसेज सभी उपलब्ध करा दी गई हैं, और चार्जेस बहुत मिनिमम रखे गए हैं, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से हमसे जुड़े हुए, और ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको नॉलेज है लेकिन वो इतने विख्यात नहीं है, उनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो हमने उनको अपने साथ जोड़ा है ताकि आपके सवालों का सही सही तरीके से आपको मैनुअल एनालिसिस करके जवाब दिया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर पिछली वीडियोस में जो हमने इस वाले चार्ट में हमने मंगल को देख लिया था, हमने बृहस्पति को, बुध को, सूर्य को और चंद्रमा को देख लिया था कि अगर यहाँ प्रेजेंट हो तो आपका स्पाउस कैसा होगा, आज बात करेंगे अगर आपके यहाँ पे राहु से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका यहाँ पे राहु प्रेजेंट हो इस वाले घर में, अगर आपके राहु, मान लीजिए राहु आपके इस वाले घर में प्रेजेंट हो तो क्या होगा। देखिए, अगर यहाँ पे राहु प्रेजेंट है तो आपकी जो पत्नी होगी, आपकी जो स्पाउस होगी, जो वाइफ होगी, और जो भी अगर आपकी सोलमेट है वो होगी, लिव इन रिलेशनशिप में है तो वो भी हो सकती है यहाँ पे, वो हमेशा कंफ्यूज होने वाली है। क्योंकि राहु जो होता है वो एक दानव है, दानव प्रवृत्ति का है, तो कंफ्यूज होना उसका स्वाभाविक है, और सोचते रहना कि किस तरीके से षड्यंत्र किया जाए, तो वो भी इस तरीके का योग यहाँ पे बना देगा साथ ही साथ। लेकिन देखिए, कुछ खराब है तो कुछ अच्छा भी है क्या। ऐसे जो लोग होंगे वो मैथ्स में, कैलकुलेशंस में, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करने वाले होंगे और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। और अगर ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है राहु की, अगर यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, अपने दुश्मन के घर में बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिखा है, एक नंबर किसका हो गया, सूर्य का, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका एक नंबर, अगर यहाँ पांच, एक नंबर मंगल का हो गया, पांच नंबर लिखा हो सूर्य का हो गया, आठ नंबर फिर मंगल का और राहु बैठा है, तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो आपकी बर्बाद हो जाएगी, वो खराब करेगा ही करेगा। कुछ टाइम तक अट्रैक्शन रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो लाइफ बिल्कुल ही खराब कर देगा, आर्ग्यूमेंट होगी, बहस होगी और आपका ब्रेकअप यहां पे करवा करवा देगा वो। जो नमांश का जो राहु होता है इंडिकेट्स करता है यहां पे मैरिज आपकी वो आउटसाइड भी करवा सकता है। इस केस में आपकी जो मैरिज होगी वो यहां पे आपकी आउटसाइड मैरिज हो सकती है, जो पत्नी आपकी होगी वो आउटसाइड से हो सकती है, नेटिव प्लेस से दूर हो सकती है, आपके घर से दूर हो सकती है, और अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं तो फॉरेन स्पाउस भी हो सकती है, और आपकी इंटरकास्ट मैरिज भी आपकी यहां पर करवा देगा। तो वीडियो भी आगे भी बनाऊंगा कि इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज नमान से कैसे देखते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। तो राहु का यहां पर प्लेसमेंट होना और उन घरों में जो कि उसके दुश्मन हैं, तो आपकी मैरिटल लाइफ इन्फेक्ट करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आपकी वाइफ को कंफ्यूज करेगा, डिसीजन वो नहीं ले पाएंगी, हमेशा कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें वो सोचती रहेंगी, ताकि किसी का मतलब घर पे शांत का जो माहौल है उसे अशांत किया जाए। देखिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पे फॉरेन और इंटरकास्ट मैरिज भी आपको राहु करवा देता है। चलिए, ये तो आपका राहु के बारे में, इसके बारे में हो गया। अब बात करते हैं अगर यहाँ पे राहु ना प्रेजेंट होकर यहाँ पे केतु प्रेजेंट हो, मान लीजिए यहाँ पे केतु, केतु आपकी कुंडली में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो केतु क्या करने वाला है। देखिए, केतु के केस में जो आपकी स्पाउस हो गए, जो आपका पार्टनर होगा, स्पाउस जो पार्टनर होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत गुड होगा, थोड़ा सा वो रिलीजियस भी होगा यहाँ पे, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करेगा, और धर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला, रिलीजियस आपसे ज़्यादा वो कहीं ज़्यादा यहाँ पे रिलीजियस होगा। तो राहु यहाँ पे काम खराब करता है, लेकिन केतु इतना काम नहीं खराब करेगा जितना कि आपका राहु खराब करने वाला है। चलिए, ये राहु और केतु का आपने डिटेल में देख लिया, अभी और भी बहुत कुछ हम देखेंगे, राहु की दृष्टियां इस पे कैसे पड़ती हैं, क्या इफेक्ट होता है वो भी आपको हम देखेंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहां पे, जैसे कि हमने बात किया था शनि, अगर यहां पे शनि बैठा हो या शनि का कोई भी नंबर यहां पे लिखा हो, जैसे पिछली वीडियो में बताया था, जो स्पाउस होगी आपकी मिच्योर्ड होगी, आपकी हार्ड वर्किंग होगी, और छोटों पे जो गरीब हैं, छोटे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा विश्व, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने वाली होंगी, उन्हें बहुत ज़्यादा स्नेह की दृष्टि से देखेंगी, अपनी जो जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगी वो। साथ ही साथ वाइफ और हस्बैंड, आप दोनों स्पाउस जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ज़्यादा जिंदगी में हार्ड वर्क से आप बहुत ऊंचाइयों तक आप आगे पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ईगो बना लें, अगर आपकी, अगर आप अपने बिहेव को शांत नहीं करते, तो यहाँ पे ईगो की प्रॉब्लम भी आपकी हो सकती है और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यहाँ पे, और थोड़ा सा एज डिफरेंस भी आपकी और वाइफ की पत्नी के बीच में यहाँ पे क्रिएट होगा ही होगा, ये चीज़ भी आपकी यहाँ से देखने वाली होती है।
चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे सूर्य की। पिछली वीडियो में सूर्य का रह गया था, तो अब मैं यहाँ बात करता हूँ। अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो या फिर सूर्य देव यहाँ बैठे हो, देखिए राहु केतु का देख लिया आपने, शनि का देख लिया जो खराब करते हैं, उसके बाद सूर्य का, सूर्य का यहाँ पे प्रेजेंट होना कहीं ना कहीं आपकी वाइफ को, आपके स्पाउस को ईगोस्टिक, अभिमान वाला जिसे कहते हैं, ईगोस्टिक बनाएगा। और वह अपने इस पे सेल्फ रिस्पेक्ट उन लोगों की काफी होगी। अगर आप उन्हें कुछ भी कह देते हैं तो वह बुरा, बहुत जल्दी बुरा मान जाएंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं थोड़ी सी शॉर्ट हाइट होती है, और जो इनका जो माथा होता है वो काफी बड़ा होता है, और सीधे बाल होते हैं। और ये जो 7th हाउस में जो आपका सन होता है, ये लोग काफी स्ट्रांग बोल्ड के होते हैं, काफी स्ट्रांग स्टेमिना होता है इनमें, जल्दी हार नहीं मानते किसी चीज से, और अपने आप को किसी के सामने झुकाते नहीं हैं। तो राहु केतु से आपने देख लिया क्या प्रॉब्लम है, आपने शनि से देख लिया, आपने सूर्य से देख लिया, और आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज ऐसी जो हमारी फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, मेल सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें, फेसबुक ये इंस्टाग्राम नहीं है, भेजना है तो आप अपने फेसबुक चैनल पर भेजें। यहाँ पे आपको सीखना है तो डिसिप्लिन आप मेंटेन करके रखें, ताकि सभी लोग यहाँ पे सीखें। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सीखते जाइए, एडवांस भी आप सीखेंगे तो धीरे धीरे आप सीखेंगे। एकदम एक चीज घोल कर आपके दिमाग में अगर मैं पिलाऊं तो आप वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सीखते जाइए और पूछते जाइए। धन्यवाद।